कहानी की शुरुआत साल 2050 में होती है, जहां हम स्पेस में टाइम जेट देखते हैं। इनमें से एक में एडम है, जो टाइम जेट चुराकर भाग रहा होता है और उसका पीछा दो लोग कर रहे होते हैं। ये दरअसल एक ऐसा भविष्य है जिसमें टाइम ट्रेवल संभव है और ये टाइम जेट्स भी उसका साधन है। पीछा करने वाली टाइम जेट एडम पर हमला करता है, लेकिन वो एक वॉर्म होल बनाकर उसमें चला जाता है। कहानी अब शिफ्ट हो जाती है साल 2022 में, जहां एडम एक छोटा 12 साल का बच्चा है, जिसे स्कूल में कुछ बदमाश लड़के बुली करते हैं। उसकी मम्मी को स्कूल में बुलाया जाता है और एडम की शिकायत की जाती है और लास्ट में उसे स्कूल से निकालने की भी बात की जाती है। वो जब घर आते हैं तो ये पता चलता है कि एडम के पापा लगभग 1.5 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं और अब वो अपनी मम्मी एली और अपने कुत्ते हॉकिंग के साथ रहता है। उसकी मम्मी शाम को बाहर डेट पर जाती है और एडम घर पे अकेला कुछ खेल रहा होता है। तभी बाहर कुछ हलचल होती है और हॉकिंग बाहर जंगल की तरफ भागता है। जंगल में उसे एक स्पेसक्राफ्ट के टूटे हुए टुकड़े दिखते हैं। वो थोड़ा घबरा जाता है और उसे लगता है कि उसे घर के अंदर ही रहना चाहिए और वो वापस आ जाता है। उसका कुत्ता हॉकिंग भाग के एडम के पापा के गैरेज में चला जाता है और एडम उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि फ्यूचर वाला एडम जख्मी हालत में वहां बैठा हुआ है। दरअसल एडम उस वॉर्म होल से यहां पहुंच गया होता है। छोटे एडम के पूछने पर वो नहीं बताता है कि वो कौन है और घर के अंदर चला जाता है। उसे इस घर के सभी चीजों के बारे में अच्छे से पता होता है और वो अपने चोट पे दवाइयां लगाने के लिए ऊपर जाता है। छोटा एडम उसके पीछे पीछे सवाल पूछता रहता है और वो नोटिस करता है कि एडम को उसके बारे में पता है और उन दोनों के गले में बिल्कुल एक जैसा निशान है, तो वो समझ जाता है कि वो दोनों एक ही है। बड़ा एडम छोटे एडम को लेकर टाइम जेट के पास जाता है। ये टाइम जेट उसकी डीएनए से चलता है, पर क्योंकि उसे गोली लगी होती है उसका डीएनए जेट को स्टार्ट नहीं कर पाता है, तो वो छोटे एडम के डीएनए को यूज करके जेट को स्टार्ट करता है। पर तभी पता चलता है कि जेट को ठीक करने में अभी समय लगेगा। तब तक वो यहीं अपने पापा के गैरेज में रहने का निश्चय करता है ताकि तब तक उसका घाव भी ठीक हो जाएगा। अगले दिन वो अपने पापा के पुराने कपड़े पहनकर और छोटे एडम को लेकर अपना घाव ठीक करने के लिए दवा लेने जाता है। जब वो दवा ले रहा होता है, छोटा एडम बाहर उसका वेट करता है और तभी स्कूल में बुली करने वाले लड़के वहां आ जाते हैं और फिर से उसे बुली करने लगते हैं। बड़ा एडम जब वहां आता है तो उसे बचाने की बजाय उसे हिम्मत देता है कि ये लड़ाई उसे खुद ही लड़नी चाहिए, लेकिन वो उन लड़कों को हरा नहीं पाता है और इस बात से वो नाराज हो जाता है और गैरेज में खुद को बंद कर लेता है। बड़ा एडम वहां आता है और वो कहता है कि उसे बड़े एडम जैसा बनने के लिए लड़ाइयां खुद ही लड़नी पड़ेगी और उसमें हारना भी जरूरी है। छोटे एडम को एक तस्वीर मिलती है, वो बड़े एडम से उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो उसकी बीवी है जिसका नाम है लॉरा। उसी शाम को एक बार में बड़े एडम की मुलाकात उसकी माँ एली से होती है और वो उनसे बात करने लगता है। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि वो एडम से परेशान होकर वहां बैठी है और उन्हें लगता है कि वो उनसे प्यार नहीं करता है, पर वो बताता है कि उनका बेटा एडम उससे बहुत प्यार करता है और वो उसको समझाता है कि उन्हें भी ये समझने की जरूरत है कि उसके पिता के गुजर जाने का जितना दुख उन्हें हुआ है उतना ही उसे भी है, तभी वो अपनी मम्मी से पूरी तरह जुड़ पाएगा। एडम ये बातें बताकर बार से बाहर निकल जाता है। ये सुन के एली सोच में पड़ जाती है और उसे ढूंढते हुए बाहर आती है, पर तब तक वो जा चुका होता है। अगले दिन बड़ा एडम छोटे एडम को बताता है कि वो दरअसल अपनी बीवी लॉरा को खोजने के लिए 2018 में जाना चाहता था, लेकिन गलती से यहां 2022 में आ गया। वो टाइम ट्रेवल करके 2018 में गई थी पर वापस नहीं आ पाई और वो ये भी कहता है कि उसे शक है कि माया सोरियन ने उसे मरवा दिया। माया सोरियन एडम के पापा लुइस की पार्टनर हुआ करती थी, पर टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी को अपनी मुट्ठी में करके उसने भविष्य पर राज करना शुरू कर दिया। माया वही है जो एडम के टाइम जेट का पीछा कर रही होती है। तभी हॉकिंग भौंकने लगता है और एडम को लगता है कि वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हैं। बड़ा एडम छोटे एडम को भागने के लिए तैयार होने को बोलता है, लेकिन वो वहां से भाग पाते उससे पहले ही वो लोग वहां आ जाते हैं और उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। एडम के फ्यूचरिस्टिक हथियार होते हैं और छोटा एडम उसे देख के खुश हो जाता है और चाहता है कि वो भी उसका यूज करे, पर एडम उसे रोकता है और लास्ट में वो लोग बड़े एडम को हरा देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी उसे वहां बचाने लॉरा आ जाती है।
एडम उसे देखकर चौंक जाता है पर लड़ाई के बीच में कुछ कह नहीं पाता। लॉरा दोनों एडम को माया और उसके आदमियों से बचाकर जंगल के रास्ते से एक छोटे से घर में ले जाती है और ये माया का घर होता है। वो एडम को बताती है कि उस पे माया ने जानलेवा हमला करवाया था और तब से वो यहीं पास्ट में छुप के रह रही है और वो एडम का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। और वो ये भी बताती है कि माया ने टाइम ट्रेवल का यूज करके पास्ट की माया को फ्यूचर के इंसिडेंट्स के बारे में ऐसी बातें बता दी हैं जिससे वो काफी मुनाफा कमा सके। उसने गलत तरीके से टाइम लाइन से छेड़छाड़ किया है और इन सब को रोकने का एक ही तरीका है कि 2018 में जाके टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी को बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और उसको डिस्ट्रॉय करने में एडम के पापा की भी मदद चाहिए होगी। वो एडम को वहां से जाने को बोलती है पर एडम उसे अकेले छोड़ के जाने से मना करता है पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है तो एडम छोटे एडम को लेकर वहां से निकल जाता है और लॉरा माया और उसके आदमियों के साथ अकेले ही लड़ने लगती है। दोनों एडम जेट के पास पहुंचते हैं पर क्योंकि बड़ा एडम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता है जेट उसके डीएनए से स्टार्ट नहीं हो पाता है और उसे छोटे एडम के मदद की जरूरत पड़ती है पर छोटा एडम नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो उसका बचपन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। और बड़ा एडम उसे समझाता है कि ये करना जरूरी है और वो पास्ट में अपने पापा को फिर से देख पाएगा। ये सुनते ही वो मान जाता है और जेट में बैठकर दोनों वहां से निकलते हैं। माया इनके जेट को नोटिस कर लेती है और अपने जेट से उनका पीछा करने लगती है। माया उन्हें धमकाती है कि उनके जेट में सिर्फ एक जंप बाकी है और अगर वो जाएंगे तो फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। एडम इस बात पे ध्यान नहीं देता है और आखिरी जंप के लिए जेट की स्पीड बढ़ाने लगता है। माया और उसका आदमी इसके पीछे ही होते हैं लेकिन जब तक वो उनको पकड़ पाते वो वॉर्म होल में घुस जाते हैं और 2018 में पहुंच जाते हैं। 2018 में पहुंचते ही एडम छोटे एडम को समझाता है कि उसे किसी भी हालत में पापा को ये नहीं बताना है कि उनकी मौत कैसे होती है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है। फिर वो अपने पापा के क्लास में जाकर बैठ जाता है। उसके पापा उसे पहचान जाते हैं। फिर वो छोटे एडम से भी मिलते हैं। एडम अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है कि टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय करना होगा और अगर नहीं किया तो उसकी पार्टनर माया फ्यूचर में इसका बहुत गलत यूज करती है। लेकिन लुईस कहता है कि इन चीजों को उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे टाइमलाइन में हेरा फेरी होगी और साइंस के ऊपर भी कोई चीज है जिससे इंसानियत को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बड़े एडम को कुछ समझ नहीं आता है। छोटा एडम उसे समझाता है कि उसे पापा की बात माननी चाहिए क्योंकि वो उन दोनों से प्यार करते हैं। दूसरी तरफ माया भी 2018 में आ जाती है और पास्ट की माया को बताती है कि उसके रिसर्च सेंटर को एडम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने वाला है। वो कहती है कि एडम तो छोटा बच्चा है। तब माया उसे फ्यूचर के एडम के बारे में बताती है। एडम अकेले ही रिसर्च सेंटर को नष्ट करने की सोचता है और छोटे एडम को लेकर वहां पहुंचता है। वो चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता लेकिन तभी माया के रॉबर्ट्स वहां आ जाते हैं। छोटा एडम वीआर डिवाइस और ड्रोन की मदद से उन रॉबर्ट से बड़े एडम को बचाता है और वो फ्यूचर के गैजेट्स को यूज करके बहुत खुश हो जाता है। लड़ाई के दौरान एक गाड़ी एडम को कुचलने वाली होती है कि तभी लुईस वहां पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। एडम लुईस से वहां आने की वजह पूछता है तो वो कहता है कि ये काम उसकी हेल्प के बगैर नहीं हो पाएगा और उसे समझ आ गया है कि इसको डिस्ट्रॉय करना सच में जरूरी है। फिर वो इसको नष्ट करने का तरीका बताता है जिसमें वो एक हार्ड ड्राइव के डेटा को डिस्ट्रॉय करने की बात करता है। वो दोनों अंदर जाते हैं और हार्ड ड्राइव को तोड़ने ही वाले होते हैं कि तभी दोनों माया वहां आ जाती हैं और एडम से हार्ड ड्राइव देने को बोलती हैं पर एडम मना कर देता है। तब माया गेट ओपन करती है और बाहर माया का एक आदमी छोटे एडम के सर पे बंदूक लगा रखा होता है। माया उसके हाथ से गन लेती है और छोटे एडम को लेकर अंदर आती है और वो फिर से हार्ड ड्राइव देने को बोलती है नहीं तो वो छोटे एडम को मार देने की धमकी देती है। छोटा एडम बड़ी फुर्ती से गन दूसरी तरफ घुमा देता है जिससे गोली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्लास को लग जाती है
और उसका मैग्नेटिक पावर ऑन हो जाता है। सभी लोहे की चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। लुईस इसको रोकने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच माया बंदूक वापस उठा लेती है और एडम को गोली मारने की धमकी देती है। उसके पापा बीच में आ जाते हैं। माया गोली चला देती है, लेकिन मैग्नेट के खिंचाव से वो गोली उस चुंबक के सामने खड़ी 2018 की माया को लग जाती है और उसके मरते ही भविष्य की माया भी खत्म हो जाती है। वो जगह नष्ट होने लगती है तो दोनों एडम और उसके पापा बाहर भाग निकलते हैं, तीनों घर आ जाते हैं। अब तक एडम ने ये नहीं बताया होता है कि लुईस की मौत कुछ समय बाद ही हो जाएगी। बड़े एडम ने छोटे एडम को मना किया था, लेकिन वो खुद ही ये बात बताने की कोशिश करता है तो लुईस कहता है कि वो पहले ही ये समझ चुका है। वो तीनों बाहर आकर गेंद से खेलने लगते हैं। बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि कुछ समय में वो दोनों अपने अपने सही समय में पहुंच जाएंगे और साथ ही छोटे एडम से ये भी कहता है कि उन लोगों को कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन जब भी वो अपने टाइम में जाए तो मम्मी को जोर से हक करेगा। लुईस वहां अकेले ही रह जाता है और दोनों एडम गायब हो जाते हैं। फिर साल 2022 में छोटा एडम सब कुछ भूल चुका होता है, लेकिन फिर भी उसे एक एहसास होता है और अपनी मम्मी को गले लगा लेता है। फिर बड़े एडम को दिखाया जाता है जो अपने क्लास में बैठा होता है और लॉरा वहां आती है। वो दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं। उन दोनों के बीच में फिर से बातें शुरू हो जाती हैं और ठीक उसी तरह जिस तरह वो दोनों पहले मिले थे।